हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। इस दौरान सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक 55 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। लोकसभा चुनाव हार चुके अरविंद शर्मा को भी टिकट मिल सकता है। अरविंद शर्मा को करनाल से लड़ाया जा सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी राज्यों के चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, तभी लंबी बैठकों और लिस्ट जारी करने में सोच समझकर दाव लगा रही है। यह बिल्कुल, देखिए बीजेपी को यह पता है कि ये जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव है वो उसके लिए पिछले 10 साल में सबसे कठिन चुनाव है, और इस समय वहां पर जो बीजेपी के खिलाफ जाटों की लामबंदी हुई है और दलित भी टूट टूट कर बीजेपी से जाटों के साथ मिलकर कांग्रेस की तरफ रुख कर रहा है, उसकी वजह से ये चुनाव और ज्यादा कठिन हो गया। लेकिन बीजेपी ने इसका तोड़ ये ढूंढा है कि पंजाबी, यादव, बनिया, गुर्जर, इनके अलावा 36 बिरादरियों को जोड़कर बीजेपी वहां पर चुनाव मैदान में अपनी जीत दर्ज करना चाहती है। लेकिन उसको ये पता है कि ये चुनाव तभी जीता जा सकता है जब जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ना केवल टिकट ऐसे उम्मीदवारों को दिए जाए जो जाति आधार पर सटीक बैठते हो, उसके साथ ही साथ वो उस क्षेत्रीय जो जरूरतें हैं, क्षेत्रीय जो मांग है उसको भी पूरा करते हों। और इसी वजह से बीजेपी ने इस बार जो अपना क्राइटेरिया बनाया है वो विनिंग कैंडिडेट के अलावा जो बाकी प्रतिबंधित नियम बना रखे थे उनको उसमें ढील दी है। मसलन हारे हुए सांसदों को टिकट दिया जा सकता है, पूर्व सांसदों को टिकट दिया जा सकता है, नेताओं के बच्चों को टिकट दिया जा सकता है। जैसे कि अरविंद शर्मा है, पूर्व सांसद है, उनको करनाल से लड़ाने की तैयारी हो रही है क्योंकि करनाल की सीट जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी छोड़कर वो जाना चाहते हैं सैनी बहुल इलाके लाड़वा, और ये बात तय है एकदम कि लाड़वा से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे और करनाल से अरविंद शर्मा जो कि पूर्व सांसद है उनको टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा सुनीता दुग्गल भी जो कि पूर्व सांसद है वो भी दावेदारी कर रही है पटौदी सीट से, लेकिन अभी देखना होगा कि उनका टिकट फाइनल होता है कि नहीं होता है। इसके अलावा अठेली सीट है जो कि राव इंद्रजीत सिंह उनकी बेटी है, उनको दी जा सकती है। तो नेताओं के बच्चों को टिकट देने की जो बात पर बीजेपी हमेशा परिवारवाद का आरोप लगाती थी अब उसमें ढील दी गई है और ढील दी जा रही है। इसका जो नतीजा है वो जब लिस्ट आएगी, जब सूची आएगी तब आपको उसमें दिख जाएगा साफ तौर पर। तो ऐसे कई नेता हैं जिनके पुत्रों और पुत्रियों को टिकट यहाँ पर देने की बात की जा रही है। कुल मिला के 3 राज्य मंत्री ऐसे हैं जिनका टिकट जो है आज की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी उसमें खतरे में पड़ गया है। नाम का खुलासा करना इसलिए अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि अंतिम सूची आने से पहले कई बार उसमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन एनडीटीवी के सूत्रों को ये जानकारी मिली है जब बैठक खत्म हुई तो उस समय 3 राज्य मंत्री जो कि नायब सिंह सैनी की सरकार में उनका टिकट कटने जा रहा है, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से पार्टी ने फैसला लिया है कि इनके टिकट काटकर वहां पर नए उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। तकरीबन 50 से ज्यादा उम्मीदवार तय हो चुके हैं, बाकी 35 बची हुई सीटों के लिए, 55 के आसपास जो उम्मीदवार तय हुए हैं, बाकी बची हुई 35 विधानसभा सीटों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत कर दिया गया है। वो पार्टी की हरियाणा इकाई के बड़े नेताओं के साथ बैठकर और वहां जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकटों पर अंतिम फैसला लेंगे। अब कोई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हरियाणा को लेकर नहीं होने वाली है। तो बड़ी जो खबर है इस बैठक से ये है कि लंबी चौड़ी बैठक के बाद बीजेपी इस नतीजे पर पहुंची है कि नेता पुत्रों को पुत्रियों को भी टिकट देना है, हारे हुए सांसदों को भी टिकट देना है। अगर वो किसी सीट पर जीत दर्ज करने की स्थिति में है तो उनको वहां से चुनाव मैदान पर उतारना है, जैसे अरविंद शर्मा का नाम सामने आ रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लाड़वा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी विकास, हमारे साथ रवीश भी जुड़ गए हैं। रवीश, विकास ने विस्तार से बता दिया है कि किन किन को टिकट मिल सकता है, किन को नहीं मिल सकता, कितनी लंबी ये बैठक चली और कौन कौन इसमें शामिल थे। जी बिल्कुल, आज सुबह भी ये जो बैठक है वो हरियाणा कोर कमेटी की जेपी नड्डा के घर पर चली तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा, और फिर सीईसी की बैठक हुई है और सीईसी की बैठक के बाद में ये सूत्रों के जरिए खबर मिली कि 55 सीटों पर जो है वो नाम उम्मीदवारों के फाइनल कर लिए गए हैं,
बाकी जो 35 सीटें हैं उन पर फिर से जो है वो हरियाणा कोर कमेटी की बैठक होगी और फिर से विचार मंथन होगा, उसके बाद में उनके नामों की सूची निकाली जाएगी। इसमें ये भी है कि कुछ जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ में भी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, और जैसा कि विकास अभी बता रहे थे कि तमाम सारे नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं, कुछ लोग जो लोकसभा चुनाव हारे हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस तरीके की खबरें आई हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि इस बैठक में कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के नामों की उम्मीदवारी पर भी जो है वो चर्चा हुई है, हालांकि अभी उनके नाम का खुलासा नहीं हो पाया है कि किन किन को टिकट मिल सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि खेल से जुड़े हुए जो हस्तियां हैं उनको भी टिकट देने पर पार्टी विचार विमर्श कर रही है। साथ में ये भी खबर मिली कि तमाम सारे जो जातीय समीकरण हैं उनको भी जो है वो इस बैठक में विस्तार से चर्चा किया गया कि आखिर कैसे जो जातीय समीकरण हैं उनको जो है वो साधा जाए, कुछ जो है वो सर्वे रिपोर्ट की भी चर्चा इस बैठक में हुई कि आखिर क्या क्या सर्वे किन किन मुद्दों पर जो है वो चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, स्थानीय कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर में ये इस चुनाव में जो है उनका ऊपर में चुनाव प्रचार बीजेपी करेगी और उन स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से इस चुनाव में उठाया जाएगा। तो ऐसी तमाम सारी बातचीत आज कोर कमेटी की बैठक में चली, तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा जो ये बैठक है ये हुई है, और इसमें विस्तार से जो है हर उम्मीदवार के बारे में एक जो प्रेजेंटेशन होता है वो बाकायदा दिया गया, और इसके बाद में ये पता चला सूत्रों के हवाले से कि 55 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं, और देखना होगा कि आज देर रात या फिर कल जो है वो बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो आ सकती है। रवीश, जब जम्मू कश्मीर की पहली लिस्ट बाहर निकली थी तो काफी हंगामा हुआ था, जाहिर है यहाँ पर भी बीजेपी ने इस पर ध्यान दिया होगा। जी बिल्कुल, जो जम्मू कश्मीर की लिस्ट अगर जो है फिर उसको बाद में जो है वो वापस लेना पड़ा, तो इस तरीके की गलतियां हालांकि बीजेपी में होती नहीं है, ये बहुत ही अपवाद वाली गलती है, एक्सेप्शनल गलतियां हुई हैं, लेकिन इस बार जो है वो हरियाणा की जो पहली सूची है तो 55 के करीब में जो उम्मीदवारों की सूची है वो पहली सूची जो है वो इसमें आ सकती है। बाकी का सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि उन 35 उम्मीदवारों के नाम पर जो है वो फिर से दोबारा विचार विमर्श होगा और बाकायदा जेपी नड्डा उसके ऊपर में विचार करेंगे, और कहा यह भी जा रहा है कि हरियाणा का जो नेतृत्व है वो बाकायदा जो है उसकी एक बार फिर से कोर कमेटी की बैठक होगी और फिर उसमें विचार विमर्श किया जाएगा, चूंकि RLDP भी सीट मांग रही है, गोपाल कांडा से भी बातचीत चल रही है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी आखिर उनको कितनी सीटें देती है। तो ये भी एक बात है कि बीजेपी ये सोच रही है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको भी इस चुनाव में साधा जाए, और यही वजह है कि कुछ सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो नहीं होगी और उस पर दोबारा बीजेपी में फिर से चर्चा होगी। जी रवीश, इस पूरी जानकारी के लिए आपका और विकास का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की केंद्रीय समिति की अहम बैठक हुई, इस दौरान सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक 55 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं और लोकसभा चुनाव हार चुके अरविंद शर्मा को टिकट मिल सकता है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है।